There is no fear like that because, yeah, because anyway, winning and losing, it's part of life. So there is no fear as such. Hey guys, you're watching Sportswallah. मैं हूँ आपके साथ तानिया और मेरे साथ हैं आज प्राजक्ता सावंत जो कई सालों से देश के लिए खेल रही हैं, कई सालों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ढेर सारे मेडल्स हमारे लिए लाई हैं. अभी आप पुणे सेवन एसेस से जुड़ी हैं तो वहाँ पर बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, सारे प्लेयर्स हैं. सो किस तरह का इंटरेक्शन रहता है और कितना कुछ सीखने को मिलता है? आई थिंक अभी तो हम सारे इंडियंस ही, अभी चार इंडियन, लेकिन एज फॉरेन प्लेयर्स वगैरह आएंगे, आई होप वो यूरोपियंस एंड ऑल, दे आर वेरी गुड, आई मीन इन इंटरेक्टिंग विद द प्लेयर्स, एंड आई होप आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम. इवन मतैस बो इज देयर, आई इवानो इज देयर, सो आई थिंक मेनी गुड प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन अ टीम एंड देयर विल बी गुड इंटरेक्शन एंड ऑल. इसके अलावा अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सब सोचते हैं कि जब आप कोर्ट पर खेलते हैं तो घंटों घंटों खेलते हैं, दिमाग चल रहा है, बॉडी चल रही है, स्टैमिना स्ट्रेंथ चाहिए एंड फास्ट आपकी थिंकिंग स्किल्स चाहिए, ये सब कैसे मेंटेन करते हैं आप इतना काम कंपोज रहना? एक्चुअली ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ काम और जितना मतलब प्रेशर लेना, क्योंकि जैसे लीग्स में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है कि यू नो कि टीम के लिए आप खेल रहे हो, और बट उस टाइम वो पेशेंस होना ज़रूरी है क्योंकि फॉर द मैच, बिकॉज 15 पॉइंट का गेम है अभी, सो इट्स लाइक प्रेशर भी होता है एंड वी हैव टू बी काम. बट प्राजक्ता, सिंस यू स्टार्टेड, उस समय से और अभी क्या डिफरेंस है खेलने के अंदाज में, खेलने में, इज देयर एनी डिफरेंस? एक्चुअली 2012 से बैडमिंटन बहुत ऊपर गए, लाइक वी गॉट लॉट ऑफ फेम एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज नॉट इन इंडिया बट आई वॉज इन मलेशिया. So I think I missed those moments and all for playing for India. So I think from that time badminton has improved a lot. It has. Okay, जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए quick advice on what diet do you follow during your tournaments? Basically I don't follow any diet, but I don't eat much of sweet, like sugar things and all, I control over that. But otherwise there is no diet, we just eat what makes us good, yeah, what makes us feel good, yeah. So PBL ki shuruaat hone wali hai, usse kya expectations hai? I hope I can win matches for my team and I hope our team wins, that is the main objective for us now. So we'll be like good as a team, like they say teamwork makes a dream work, so yeah. ओके, चलिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके सीजन के लिए, लेकिन अभी थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस आप पर दागते हैं. आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी टीम है जो बिगेस्ट कंपेटिटर आपके लिए रहने वाली है? आई थिंक बैंगलोर अच्छी टीम है कंपेरेटिवली, सिंगल्स डबल्स इवन मिक्स में भी, सो आई थिंक दैट इज अ टीम विच विल बी टफ फॉर अस. योर बिगेस्ट फियर एज अ बैडमिंटन प्लेयर? बिगेस्ट फियर इज there is no fear like that because, yeah, because anyway, winning and losing, it's part of life. So there is no fear as such. Okay. अगर प्राजक्ता बैडमिंटन प्लेयर नहीं होती तो क्या होती? I would have been cricket. I would have played. Yeah, I used to play cricket before. I was offered to play for Bombay when I was 15. But then I already was in the badminton, so I didn't stop playing badminton. Okay. So who's your favorite actor? Siddharth Malhotra. He's handsome. And favorite actress? Priyanka Chopra. Okay. Chaliye, all the best aapke BBL season ke liye. Thank you so much, Prajakta.